तो दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। पहली अपडेट में जानेंगे यूपी एमपी समेत कई राज्यों में रक्षाबंधन पर महिलाओं के लिए बड़ी सौगात, फ्री यात्रा की गई घोषणा। तो वहीं बीजेपी पर जमकर बरसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, बोले भाजपा को वोट देने का मतलब है छत्तीसगढ़ अडानी को सौंप देना। तो वहीं मुख्यमंत्री शिवराज ने कर दिए बड़े ऐलान, अब 450 रुपए में मिलेगा रसोई गैस सिलेंडर और बिजली का बड़ा हुआ बिल होगा माफ। तो वहीं हरियाणा में किसान नेता राकेश टिकैत ने कर दिया बड़ा ऐलान, बोले एमएसपी कानून लागू नहीं हुआ तो फिर से होगा किसान आंदोलन। तो वहीं एनडीए गठबंधन के 4 से 5 साथी इंडिया गठबंधन के संपर्क में, मुंबई बैठक से पहले कांग्रेस ने कर दिया बड़ा दावा। तो वहीं इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले कांग्रेस नेता राशिद अलवी का बड़ा ऐलान, बोले राहुल गांधी 2024 के बाद बनेंगे प्रधानमंत्री। और भी बड़ी खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले यदि आप भी मानते हैं कि विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय हिंद। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार समेत कई राज्यों की सरकारों ने इस रक्षाबंधन के मौके पर महिलाओं को खास सौगातें दी हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए मुफ्त सफर के अलावा सस्ता रसोई गैस सिलेंडर देने की भी घोषणा की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रक्षाबंधन से पहले लाडली बहना योजना के तहत प्रदेश की महिलाओं को हर महीने मिलने वाली राशि को बढ़ाकर अब 1250 रुपए का दिया है। इससे पहले हरियाणा सरकार ने भी प्रदेश की महिलाओं को रक्षाबंधन के मौके पर फ्री बस सेवा देने की घोषणा की। इस मौके पर प्रदेश की महिलाएं हरियाणा रोडवेज की बसों में मुफ्त में यात्रा कर सकेंगी। इसको लेकर आला अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि हरियाणा में 29 अगस्त की दोपहर 12 बजे से लेकर 30 अगस्त की रात 12 बजे तक महिलाएं फ्री में यात्रा कर सकेंगी। हरियाणा की महिलाओं के साथ 15 साल तक के बच्चे भी फ्री में यात्रा कर सकेंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ने रक्षाबंधन के मौके पर महिलाओं के लिए 2 दिन मुफ्त बस यात्रा की घोषणा की है। परिवहन विभाग को जारी किए गए आदेश के अनुसार 30 अगस्त की रात 12 बजे से लेकर 31 अगस्त की रात 12 बजे तक पूरे यूपी में महिलाओं से किराया नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा रक्षाबंधन से पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी महिला समूहों को मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना की सौगात दी। इसके तहत प्रदेश में कार्यरत सभी महिला समूहों को उनके बनाए प्रोडक्ट को बेचने के लिए बाजार उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड में सभी महिलाओं के लिए 30 अगस्त को रोडवेज में सफर को पूरे तरीके से निःशुल्क कर दिया है। आपको बता दें कि इस हिसाब से देखा जाए तो यूपी एमपी उत्तराखंड और हरियाणा में बसों में बिल्कुल फ्री सफर रहेगा, यानी रक्षाबंधन के मौके पर महिलाएं इन सभी राज्यों में मुफ्त में यात्रा कर पाएंगी। और बड़ी खबर राजस्थान की महिलाओं के लिए भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दे दिया बड़ा तोहफा, रोडवेज की बसों में कर सकेंगी फ्री में सफर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि रक्षाबंधन के त्योहार को देखते हुए राजस्थान की सरकार ने भी महिलाओं और बालिकाओं को बड़ी सौगात दी है। रक्षाबंधन के दिन राज्य की सभी रोडवेज बसों में महिलाएं और बालिकाएं बिल्कुल फ्री में यात्रा कर सकेंगी। राजस्थान रोडवेज की बसों में 29 तारीख को रात 12 बजे से लेकर 30 तारीख को रात 12 बजे तक महिलाओं को निःशुल्क यात्रा कराई जाएगी। आपको बता दें कि राजस्थान में रोडवेज में फ्री सफर का ऐलान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया है। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला, बोले भाजपा को वोट देने का मतलब है छत्तीसगढ़ अडानी को सौंप देना। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर ईडी की लगातार रेड पर केंद्र की बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ईडी, आईटी और सीबीआई को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया है और कहा कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ की कोयला और आयरन की खदान अडानी को सौंपना चाहती है। इसके साथ ही चुनाव को जोड़ते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अगर छत्तीसगढ़ के लोग भाजपा को वोट देते हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि आप छत्तीसगढ़ को अडानी को सौंप देंगे। आपको बता दें कि ईडी की कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार को बदनाम करने की साजिश बताया है और ईडी को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया है। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कर दिए कई बड़े ऐलान, अब मात्र 450 रुपए में मिलेगा रसोई गैस सिलेंडर और बिजली का बड़ा हुआ बिल भी होगा माफ। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार घोषणाएं कर रहे हैं, इनमें से कई योजनाओं को उन्होंने लागू भी कर दिया है। चुनावी साल में मुख्यमंत्री शिवराज अपनी घोषणाओं से सभी वर्गों को साधने में लगे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने पुलिस विभाग को एक और बड़ी सौगात दे दी। शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को मध्य प्रदेश में महिलाओं के आरक्षण को बढ़ाने की
घोषणा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पहले हमारी सरकार ने तय किया था कि प्रदेश पुलिस में महिलाओं के लिए 30% पद आरक्षित होंगे, लेकिन इसे बढ़ाकर अब 35% किया जाएगा। हालिया दिनों में मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में आग लगी है। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में राहत देते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सावन के महीने में सभी को मात्र 450 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाए जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि इसके बाद में गैस सिलेंडर की कीमतों को लेकर स्थायी व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज के इस ऐलान से मध्य प्रदेश के 1,20,00,000 से अधिक घरेलू गैस उपभोक्ताओं को फायदा पहुंचेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिजली उपभोक्ताओं को लेकर भी बड़ी राहत दी है। उन्होंने रविवार को इस संबंध में ऐलान करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में बढ़े हुए बिजली के बिल नहीं वसूले जाएंगे, सितंबर में बढ़ा हुआ बिजली का बिल शून्य हो जाएगा। शिवराज सिंह चौहान ने इस दौरान आगे कहा कि मध्य प्रदेश की गरीब महिलाओं का हर महीने बिजली का बिल सिर्फ 100 रुपए आए, इसके लिए जल्द से जल्द व्यवस्था की जाएगी। अगली बड़ी खबर, किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार को दे डाली कड़ी चेतावनी, बोले एमएसपी कानून लागू नहीं हुआ तो फिर से होगा किसान आंदोलन। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि देश के किसान एक बार फिर सरकार के खिलाफ आंदोलन की राह पर जा सकते हैं। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने इसको लेकर सरकार को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार एमएसपी को लागू नहीं करती है तो देश में एक बार फिर एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। बीजेपी पर तंज कसते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि बीजेपी हर काम में मोदी का नाम लेती है। चंद्रयान लैंडिंग पर भी मोदी का गुणगान किया गया, तो फिर एमएसपी कानून में भी मोदी का नाम जोड़कर उसे लागू कर दिया जाना चाहिए। आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि यदि एमएसपी कानून को लागू नहीं किया गया तो देश में एक बार फिर बड़ा किसान आंदोलन होगा। अगली बड़ी खबर, बीजेपी को लगा बड़ा झटका, एनडीए के 4 से 5 दल इंडिया गठबंधन के संपर्क में। मुंबई बैठक से पहले कांग्रेस ने कर दिया बड़ा दावा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन की अगली बैठक मुंबई में होने जा रही है, इसको लेकर तमाम तरीके के दावे सामने आ रहे हैं। इस बीच कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने एक चौंकाने वाला दावा किया है। इस दावे के मुताबिक भाजपा नीत एनडीए की बैठक में शामिल 38 दलों में से कुछ दल इंडिया गठबंधन के संपर्क में है। साथ ही आलोक शर्मा ने यह भी कहा कि ये दल आने वाले में विपक्षी गठबंधन इंडिया का हिस्सा बन सकते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता ने बताया कि मुंबई में 1 सितंबर को होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक में कुछ बेहद अहम फैसले लिए जा सकते हैं। गौरतलब है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को ऐसा ही दावा किया है। उन्होंने कहा कि मुंबई में विपक्षी गठबंधन इंडिया की आगामी बैठक के दौरान कुछ और राजनीतिक दलों के इसमें आने की संभावना है। आपको बता दें कि फिलहाल ऐसा माना जा रहा है कि एनडीए गठबंधन को इंडिया गठबंधन बड़ा झटका देने की तैयारी में है। ऐसा कहा जा रहा है कि एनडीए गठबंधन के 4 से 5 दल इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे। अगली बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक से पहले कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कर दिया बड़ा ऐलान, बोले राहुल गांधी 2024 के बाद बनेंगे प्रधानमंत्री। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में 1 साल से भी कम का समय बचा है, ऐसे में सभी मुख्य दल तैयारियों में जुटे हैं। बीजेपी को कड़ी चुनौती देने के मकसद से 26 विपक्षी दलों ने इंडिया नाम से महागठबंधन बनाया है। अभी तक इस महागठबंधन के नेता के नाम की घोषणा नहीं की गई है। हालांकि कांग्रेस पार्टी के कई नेता राहुल गांधी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाने की बात कह चुके हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सुर में सुर मिलाते हुए अब कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने भी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाने की बात कही है। उन्होंने रविवार को कहा कि 2024 के बाद हम उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में निकलेगी और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। आपका क्या मानना है, क्या राहुल गांधी 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली बड़ी खबर, चंद्रयान 3 मिशन के 3 में से 2 मकसद हो गए पूरे, अगले 13 से 14 दिन बेहद अहम। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम की सफल लैंडिंग के बाद रोवर प्रज्ञान अब चांद पर चहलकदमी करते हुए डेटा जुटा रहा है। इसरो की नजर रोवर के हर कदम पर बनी हुई है। इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ ने कहा कि उनकी टीम अगले 2 सप्ताह के लिए बेहद उत्साहित है। आपको बता दें कि इसरो प्रमुख ने कहा कि वैज्ञानिक मिशन के अधिकांश उद्देश्य अब पूरे होने जा रहे हैं, लैंडर और रोवर सभी चालू हैं। उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि सभी वैज्ञानिक डेटा बहुत अच्छे दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम अगले 13 से 14 दिनों के लिए बेहद उत्साहित हैं। आपको बता दें कि इसरो प्रमुख ने कहा कि चंद्रयान 3 ने अपने 3 में से 2 मकसद पूरे कर लिए हैं।
अगली बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बोला जबरदस्त हमला। बोले यूपी की बीजेपी सरकार कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेगी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आए दिन आवारा पशुओं, सांड के हमलों, स्वास्थ्य विभाग की कमियों और सड़कों पर पड़े गड्ढों को लेकर योगी सरकार पर हमला बोलते रहे हैं। एक बार फिर से अखिलेश यादव ने कानपुर की एक सड़क के गड्ढे को लेकर यूपी की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स यानी ट्विटर पर एक तस्वीर पोस्ट करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सड़क को ठीक कराने की मांग की है। अखिलेश यादव ने तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी जल्दी से कानपुर की सड़क को ठीक करवा दीजिए, कहीं चंद्रयान ने इस उबड़ खाबड़ सड़क को चंद्रमा की सतह समझकर फोटो खींचकर भेज दी तो धरती पर यूपी की बीजेपी सरकार कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेगी। आपको बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार की हर योजना में भ्रष्टाचार है। ये सरकार के सपा कामों की नकल तो करना चाहती थी पर वो भी नहीं कर पाई। अगर हम समाजवादियों ने लोगों को नहीं जगाया तो ये लोगों को अंधकार में ले जाएंगे। समाजवादियों की जिम्मेदारी है कि जनता के बीच पहुंचकर उन्हें सच्चाई बताएं। अखिलेश यादव ने कहा कि जिस दल से सपा का मुकाबला है वो भगवान की कसम खाकर भी झूठ बोलते हैं। अगली बड़ी खबर, बच्चे ने ब्लैक बोर्ड पर जय श्री राम लिखा तो कर दी बच्चे की पिटाई, अब टीचर और प्रिंसिपल दोनों कर दिए सस्पेंड। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के एक सरकारी अपर सेकेंडरी स्कूल में एक टीचर ने ब्लैक बोर्ड पर जय श्री राम लिखने वाले एक छात्र की पिटाई कर दी थी। इस मामले में शनिवार को आरोपी टीचर को गिरफ्तार कर लिया गया था। अब टीचर और स्कूल के प्रिंसिपल मोहम्मद हाफिज को सस्पेंड कर दिया गया है। आपको बता दें कि फिलहाल स्कूल का प्रिंसिपल अब भी फरार है। बच्चे को इस तरह पीटा गया कि उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा था। अस्पताल में भर्ती छात्र ने कहा कि उसे इसलिए पीटा गया क्योंकि उसने क्लास के ब्लैक बोर्ड पर जय श्री राम लिखा था। बच्चे के परिवार वालों ने शिक्षक को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। अगली बड़ी खबर, हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी ने कर दिया बड़ा ऐलान। बोले चांद पर बनाएंगे भव्य मंदिर, चांद को हिंदू राष्ट्र घोषित करें और शिव शक्ति पॉइंट को बनाएं राजधानी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि भारत के चंद्रयान 3 मिशन ने 23 अगस्त को अंतरिक्ष में इतिहास रचते हुए चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी, जिसके बाद से पूरे देश में जश्न का माहौल है। पीएम मोदी ने शनिवार को घोषणा की थी कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग वाली जगह को शिव शक्ति पॉइंट कहा जाएगा। इस नामकरण के बाद से देश में सियासत भी तेज हो गई है। अब हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी ने भी इस मामले पर बड़ा बयान दिया है। न्यूज एजेंसी एनआई के अनुसार उन्होंने रविवार को कहा कि चांद पर भी जिहादी मानसिकता के लोग पहुंचे, उससे पहले ही चंद्रमा को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए और शिव शक्ति पॉइंट को हिंदू राष्ट्र की राजधानी बनाया जाए। आपको बता दें कि उन्होंने आगे कहा कि शिव शक्ति पॉइंट को हम शिव शक्ति धाम के रूप में देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू महासभा और संत महासभा की ओर से मैं सरकार को पत्र भी भेज रहा हूं कि चंद्रमा को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए और शिव शक्ति पॉइंट को इसकी राजधानी बनाया जाए। हमने ये भी प्रस्ताव पास किया है कि जैसे ही चंद्रमा पर आना जाना सुलभ हो जाएगा तो हम वहां पर शिव शक्ति पॉइंट पर भगवान शिव, मां पार्वती और भगवान गणेश का भव्य मंदिर बनाएंगे। अगली बड़ी खबर, नूह में ब्रजमंडल यात्रा दोबारा निकालने की चेतावनी पर घिर गई बीजेपी। पवन खेड़ा ने पीएम मोदी से मांगा जवाब। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा के नूह में एक बार फिर हिंदू संगठनों ने शोभा यात्रा निकालने की कड़ी चेतावनी दी है, जिसके बाद वहां धारा 144 फिर से लागू कर दी गई है और प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है। वहीं दूसरी ओर अब इस मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस हिंदू संगठनों की चेतावनी को लेकर बीजेपी को घेरने में लगी है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता पवन खेड़ा ने विश्व हिंदू परिषद के शोभा यात्रा निकालने की चेतावनी को लेकर कहा कि पीएम मोदी को जवाब देना चाहिए, वो बड़े मजबूत माने जाते हैं, उनकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है, तो इन्हीं के अपने एक संगठन विश्व हिंदू परिषद में इतनी हिम्मत कहां से आ गई कि सरकार की अनुमति ना देने के बावजूद भी ये अपनी शोभा यात्रा निकालेंगे। तो इसका मतलब यह है कि प्रधानमंत्री की मौन सहमति और स्वीकृति विश्व हिंदू परिषद के पास है। उन्होंने कहा कि नहीं तो इतनी हिम्मत किसी भी संगठन में नहीं आ सकती है। अगली बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह ने अनोखे अंदाज में विपक्ष पर बोला जबरदस्त हमला। बोले कांग्रेस 4G, ओवैसी की पार्टी 3G और केसीआर की पार्टी को बताया 2G। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने परिवारवादी राजनीति को लेकर कांग्रेस, AIMIM और भारत राष्ट्र समिति यानी BRS पर तंज कसते हुए उन्हें क्रमशः 4G, 3G और 2G पार्टी करार दिया। खम्भ में भाजपा भरोसा रैली में अमित शाह ने कहा कि भ्रष्ट और दमनकारी मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली BRS सरकार की
अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है, जिसे AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी का समर्थन प्राप्त है। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस एक 4G पार्टी है। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी और अब राहुल गांधी, ये 4 पीढ़ियों की पार्टी है। KCR की पार्टी 2G पार्टी है और ओवैसी की पार्टी 3G पार्टी है। अमित शाह ने कहा कि ना 2G आएगा, ना 3G आएगा और ना ही 4G आएगा। उन्होंने कहा कि अब कमल की बारी है। अमित शाह ने आरोप लगाया कि BRS ने अलग राज्य के गठन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले कई लोगों के सपनों को बर्बाद कर दिया। अमित शाह ने विश्वास जताते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा तेलंगाना में सरकार बनाएगी। अगली बड़ी खबर, उद्धव ठाकरे ने NDA गठबंधन पर बोला जबरदस्त हमला। बोले 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन NDA को हरा देगा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि शिवसेना UBT के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने रविवार को NDA की तुलना अमीवा से करते हुए कहा कि BJP नेता इस गठबंधन का कोई निश्चित आकार नहीं है। BJP गठबंधन इंडिया को घमंडिया और इंडियन मुजाहिदीन बताने पर PM नरेंद्र मोदी पर प्रहार करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि NDA को घमंडी NDA कहा जाना चाहिए। महाराष्ट्र के हिंगोली में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने तेलंगाना के मुख्यमंत्री और भारत राष्ट्र समिति यानी BRS के अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव पर भी जमकर हमला बोला और के चंद्रशेखर राव से यह स्पष्ट करने की मांग की कि वो इंडिया गठबंधन का समर्थन कर रहे हैं या फिर BJP का। उद्धव ठाकरे ने कहा कि इंडिया गठबंधन में राष्ट्रवादी दल हैं जो देश में लोकतंत्र की रक्षा करना चाहते हैं, लेकिन NDA के अधिकतर दलों के गद्दार और ऐसे लोग हैं जो अन्य दलों को तोड़कर सहयोगी के रूप में BJP के साथ हो गए हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा वर्तमान NDA अमीबा की तरह है जिसका कोई निश्चित आकार नहीं होता। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि इंडिया गठबंधन 2024 के लोकसभा चुनाव में BJP को हरा देगा। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने के लिए इस चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।